हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी वेन्स बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक्स सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो व्हाट आर वेरी वेन्स सो वेरी वेन्स को वेरी या फिर वेरी भी बोलते हैं सो वेरिकोज वेन्स हमारे कार्डियोवस्कुलर डिसऑर्डर है सो हमारे वेसल्स को ये अफेक्ट करता है वेसल्स में भी वेन्स को अफेक्ट करता है सो वेरिकोज वेन्स का मतलब क्या होता है इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सो वेरिकोज वेन्स आर एबनॉर्मली डायलेटेड सो ये क्या है डायलेटेड डायलेटेड मीन्स डायलेट होना फूलना या फिर बल्जिंग एंड टॉर्चस वेन्स एंड टॉर्चस सुपरफिशियल वेन्स कोज बाई इनकम्प्लीट वेनस वॉल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वेंस में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है वेरी कोज वेन्स में वेंस डायलेट हो जाती हैं बल्जिंग हो जाती है इनमें डायलेशन या फिर हम कह सकते हैं कि फूल जाती हैं वेन्स टॉर्चर्स हो जाती हैं टॉर्चर्स का मतलब होता है ट्विस्टेड ट्विस्टेड मतलब बैंडिंग तो ये जैसे उलझी हुई वेन्स लगती हैं इसको बोलते हैं टॉर्चर्स सुपरफिशियल वेन्स सो मोस्टली ये सुपरफिशियल वेन्स को अफेक्ट करती है सो so ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कैसे एंड कॉज बाई इनकम्पिटेंट वेनस वॉल्स सो so, जो वेनस वॉल्व्स होते हैं वेन्स में जो वॉल्वस होते हैं वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं इनकम्पिटेंट मीन्स वो अपनी कॉम्पिटेंसी लूज कर देते हैं और वो वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स होता है सो so, इस डेफिनेशन को और ज़्यादा समझने के लिए क्लियरली समझने के लिए पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी या फिर अनाटमी समझेंगे वेन्स की सो so, ये हमारी नॉर्मल वेन है सो दिस इज़ आर नॉर्मल वेन ये वाली सो so, वस में क्या होता है वेंस uh, में इस तरह से वॉल्स होते हैं सो so, ये क्या है हमारे बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं, कप शेप वॉल्व्स होते हैं ये ये वॉल्व क्या करते हैं अब हम सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज की बात अगर करते हैं तो आर्टरीज क्या करता है आर्टरीज uh, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट सो so, ये आर्टरीज का फंक्शन होता है तो अगर आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही हैं ब्लड को तो यूजुअली जो हमारे पेरिफेरल पार्ट्स हैं या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनमें ब्लड लेकर जाती है तो अगर अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना बिकॉज यूजअली जो हमारा हार्ट है वो हार्ट यहाँ लाए कर रहा है और जो हमारी बॉडी है ज़्यादातर बॉडी वो हार्ट से नीचे बिलो लाए कर रही है और थोड़ा सा पार्ट हमारे हार्ट से ऊपर है बॉडी का तो जब आर्टरीज ब्लड लेकर जाती हैं तो वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी लेके जाती है ना कि

तो वो हार्ट तक ले जाने का जो काम है ब्लड को वो कौन करती है वेन्स तो अभी मैंने बताया कि जो हमारी मोस्टली बॉडी है वो हार्ट से बिलोर लाई uh, कर रही है इट मीन्स जब वेंस बॉडी uh, से ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ लेकर आएंगी टूअर्स हार्ट लेकर जाएंगी तो उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इट मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट उनको ब्लड को अपवर्ड पुश करना पड़ेगा तभी वो ब्लड को ऊपर तक हार्ट तक लेकर आ सकती हैं तो उसके लिए जो वेंस हैं उनमें वॉल्व्स होते हैं सो so, वॉल्स बाइक स्पीड वॉल्स होते हैं कपशेप वॉल्स होते हैं ये वॉल्व क्या करते हैं ये वॉल्स हेल्प करते हैं ब्लड को अपवर्ड फ्लो होने के लिए ना वेंस में जो वॉल्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि जो वेंस हैं वो डिस्टल है या प्रॉक्सिमली लाई कर रही हैं हार्ट से सो so, जो हार्ट से डिस्टल पार्ट्स हैं जैसे कि हमारे लेग्स हैं आर्म्स हैं वहाँ की जो वेंस हैं उसमें Uh, जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा होंगे क्योंकि उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को ऊपर पुश करना है टुवर्ड्स द हार्ट वेयर जो वेन्स हमारे हार्ट के बिल्कुल पास में जैसे कि सुपीरियर इंफीरियर है केव उसमें वॉल्स ही नहीं है तो इट इज़ इजी कि वो आराम से ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट ला सकती है सुपीरियर एंड इन्फीरियर एना कह इसमें उसमें वॉल्स नहीं है लेकिन जो डिस्टल पार्ट्स हैं उनमें वॉल्स ज़्यादा होते हैं सो so ये हमारे वॉल्स हैं वॉल्स नॉर्मली क्या करते हैं जैसे कि ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी क्योंकि अगर लेग से हमारा ब्लड आ रहा है या आर्म से हमारा ब्लड आ रहा है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगेंस अपवर्ड फ्लो करता है तो अपवर्ड फ्लो करवाने के लिए वेंस के पास वॉल्स हैं जब ये ब्लड इस तरफ पुश होता है तो वॉल्स क्या होते हैं इस तरह से ओपन हो जाते हैं और ब्लड आगे की तरफ अपवर्ड पुश हो जाता है एंड जब ब्लड ऊपर चल जाता है तो ये वॉल्स इस तरह से क्लोज हो जाते हैं ये फ्लैप्स जो हैं ये क्लोज़ हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो दोबारा वापस से पीछे ना आ सके बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का प्लस वेन्स में क्या होते हैं वेन्स के आसपास मसल्स होते हैं ये मसल्स क्या करते हैं मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड आगे की तरफ पुश होता है वेन्स में क्योंकि मसल इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे हम कोई चीज़ स्क्वीज करते हैं सपोज हमने टूथपेस्ट में से पेस्ट स्क्वीज किया है तो वो पेस्ट आगे की तरफ पुश हो जाती है इसलिए जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये जो वेंस हैं ये भी स्क्वीज़ होती हैं एंड ब्लड आगे की तरफ पुश हो जाता है सो so, ये नॉर्मल सर्कमस्टांस है नॉर्मल अनैटमी है जिसमें वेंस इस तरह से काम करती हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीजनस जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे ये वॉल्व्स क्या होते हैं ये वॉल्स इनकम्पिटेंट हो जाते हैं इनकम्पिटेंट मीन्स इनकी इतनी एबिलिटी नहीं रहती इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती एबिलिटी नहीं रहती कि ये जो ब्लड है इसको ये आगे पुश कर सके और पीछे बैक फ्लो होने से प्रिवेंट कर सके तो वेरीकोजवींस सो दीज आर वेरीकोजवेंस वेरीकोजवींस में क्या होता है ये जो वॉल्स हैं जैसे कि ये वॉल्स या तो वीक हो गए हैं तो ये नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहे क्लोज नहीं हो पा रहे इनफ़ या फिर इनफ ओपन नहीं हो पा रहे तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो वापस से बैक फ्लो आ जाता है मीन्स रिवर्स फ्लो करता है अपवर्ड पुश नहीं हो पाता या फिर ये वॉल्स जो हैं ये क्या है ऊपर की तरफ इस तरह से थे ये वॉल्स और ये नीचे की तरफ हो जाते हैं डाउनवर्ड uh, ये इनके जो फ्लैप्स हैं वो डाउनवर्ड हो जाते हैं या फिर ये जो वॉल्स हैं ये स्ट्रेट रह जाते हैं तो इस तरह से वॉल्स की इनकम्पिटेंसी होने की वजह से जो वेरिकोज वेन्स होती हैं मीन्स जो ब्लड अपवर्ड पुश होना था वो क्या आता है रिवर्स आता है सो so सपोज अगर हमारे अगर लेग्स में वेरिकोज वेंस हुई है तो जो ब्लड अपवर्ड जाना था वो डाउनवर्ड आ जाता है और वहीं वेंस में ही एक्यूमुलेट हो जाता है वहीं वेंस में ही इकट्ठा हो जाता है और ऊपर नहीं जा पाता जिसकी वजह से जो हमारी वेंस हैं वो डायलेट हो जाती है उनमें बल्जिंग हो जाती है और ट्विस्टिंग हो जाती है सो so इस तरह से ट्विस्टिंग डायलेशन और बल्जिंग वेंस में दिखाई देती है जिसको बोलते हैं वेरिकोज वेंस नाउ हमारी जो वेंस हैं वो टू टाइप्स की होती हैं एक होती है हमारी सुपरफिशियल वेन्स एंड एक होती है डीप वेन्स सो सुपरफिशियल वेन्स वो होती हैं जो कि स्किन से बिल्कुल बिनीत होती हैं मीन्स स्किन से बिल्कुल इधर बिनीत होती हैं दीज आर सुपरफिशियल वेन्स सो ये हमारी सुपरफिशियल वेन्स हैं सो सुपरफिशियल वेन्स में जो मसल्स होते हैं मसल उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं होते क्योंकि वो स्किन के पीछे होती हैं तो मसल सपोर्ट कम होता है वेयर एज जो डीप वेन्स होती हैं जो डीपली लाई करती हैं हमारे बॉडी में सो इनमें मसल सपोर्ट ज़्यादा होता है सो दीज आर द डीप वेंस इनमें मसल सपोर्ट ज़्यादा होता है मसल सपोर्ट की वजह से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड अपवर्ड हार्ट की तरफ पुश हो जाता है एंड ब्लड रिटर्न हो जाता है हार्ट को सो नाउ सुपरफिशियल वेन्स कैसे वर्क करती हैं सुपरफिशियल वेंस में भी वॉल्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और ये वॉल्स अपवर्ड फ्लो करने में हेल्प करती हैं ब्लड को अपवर्ड फ्लो करने में क्योंकि इनमें क्या है मसल सपोर्ट नहीं है सुपरफिशियल वेन्स को मसल सपोर्ट इतना नहीं है इसलिए सुपरफिशियल वेन को डीप वेन्स के साथ कनेक्ट करती हैं ये वेन्स स्मॉल वेन्स होती हैं दीज आर कॉल्ड कनेक्टिंग वेन्स या फिर परफोरेटिंग वेन्स तो ये स्मॉल वेंस कनेक्टिंग वेंस होती हैं जो कि सुपरफिशियल वेंस को डीप वेंस के साथ कनेक्ट करती है ताकि जो ब्लड सुपरफिशियल वेंस में है वो डीप वेन में आ जाए और डीप वेन से वो क्योंकि डीप वेन को मसल सपोर्ट ज़्यादा है इसलिए वो हार्ट की तरफ पुश हो जाए तो uh, जो वेरिकोज वेंस हैं वो मोस्टली सुपरफिशियल वेंस में होता है बहुत कम चांसेस है कि डीप वेंस में हो सुपरफिशियल वेंस में इसलिए होता है क्योंकि सुपरफिशियल वेंस को मसल सपोर्ट इतना नहीं होता इसलिए इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिकोज uh, वेन्स होने के डीप वेन में अगर वेरिकोज वेन होता है तो वो रेयर होता है बट अगर होता है तो वो दिखता नहीं है क्योंकि सुपरफिशियल uh, वेन तो बिल्कुल स्किन के पास में है स्किन के बिननीत है तो यहाँ पर अगर वेरिकोसिटी होगी सुपरफिशियल वेन में तो इस तरह से बल्जिंग और टॉर्चियस uh, जो वेन्स हैं वो दिखाई देंगी कलर भी उनका इजिली दिखाई देगा वेन्स का स्किन के पास है इसलिए और जो डीप वेन्स हैं वे डीपली लाए कर रही हैं इसलिए उनका जो स्वेलिंग uh, है वो इतनी विजिबल नहीं होगी लेकिन अगर ज़्यादा बल्जिंग हो गई है डीप वेंस में ज़्यादा स्वेलिंग है तो ये पेन भी कोज कर सकती है प्लस जो डीप वेन्स हैं इनमें ब्लड क्लोट होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दे ऑलमोस्ट ऑलवेज अफेक्ट्स लेग्स एंड फीट सो तो जो वेरी वेन्स हैं वो यूजुअली लेग्स और फीट को अफेक्ट करती हैं नाउ इसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि लेग्स और फीट से ब्लड को अपवर्ड लाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का रोल ज़्यादा प्ले हो रहा है तो ग्रेविटी से अगेंस्ट हमने वेन्स ने क्या करना है ब्लड को अपवर्ड पुश करना है इसलिए लेग्स और फीट में ये यूजअली ज़्यादा होता है

अपवर्ड चला जाता है एक बार तो ये क्लोज हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए रिवर्स ना आ पाए नाउ इसको बोलते हैं वन वे वॉल्स वन वे वॉल्स मतलब ये सिर्फ अपवर्ड फ्लो करने के लिए ब्लड को हेल्प करते हैं इट मीन्स टूवर्ड्स द हार्ट ओनली ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करते हैं रिवर्सली फ्लो नहीं करते नेक्स्ट इज इन वेरिकोज वेन्स द वॉल्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली अलोइंग ब्लड टू पूल इन दें ना वेरिकोज वेन्स में क्या होता है डिफरेंट रीजन्स के कारण अब डिफरेंट रीजन्स क्या हो सकते हैं वॉल्स वीक हो गए हैं इंजरी के कारण वीक हो सकते हैं ब्लड क्लोड के कारण वीक हो सकते हैं इन्फ्लॉमेशन के कारण वीक हो सकते हैं एजिंग के कारण डिफरेंट रीजन्स है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे उसके कारण जो हमारे वॉल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते उसको बोलते हैं इनकम्पिटेंट तो वॉल्स uh, की इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो ब्लड को ऊपर पुश होने दे ऊपर फ्लो uh, होने दे अपवर्ड सो so, क्या होता है जो ब्लड है अगर अपवर्ड फ्लो नहीं करेगा तो वो एक ही प्लेस पर एक्यूमुलेट होता रहेगा सपोज यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है सो so अगर ब्लड यहाँ ही पर एक्यूमुलेट हो जाएगा अपवर्ड फ्लो नहीं करेगा तो ये वेन जो है वो क्या हो जाएगी बल्ज हो जाएगी इस तरह से सो so, बल्जिंग हो जाएगी और ट्विस्टिंग हो जाएगी तो so, uh, जो ब्लड है वो पूल हो जाता है वेन में पूलिंग का मतलब है एक जगह इकट्ठा हो जाना वेन में इंक्रीजिंग वेनस प्रेशर जिससे क्या होता है कि जो वेन का जो प्रेशर है क्योंकि अब यहाँ पर ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है तो इस एरिया में वेन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग वेनस प्रेशर एंड लाइटलीहुड ऑफ कंजेशन और इससे क्या हो सकता है कंजेशन भी हो सकता है वेन बल्ज एंड ट्विस्ट वेन क्या हो जाती है बल्ज हो जाती है मीन्स बलून लाइक फूल जाती है एंड ट्विस्ट हो जाती है सुपरफिशियल वेन्स हैव लेस मसल सपोर्ट नाउ जो सुपरफिशियल वेन्स है मैंने बता दिया उनमें जो मसल सपोर्ट है वो लेस होता है सो so, इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं वेनस वेरी वेन्स होने के नेक्स्ट इज मैनी वेन्स हैव वॉल्स एंड आर अबंडेंट इन द डिस्टल लोअर एक्सट्रीमिटीज नाउ बहुत सारी वेंस में वॉल्स होते हैं कुछ वेंस में वॉल्स बिल्कुल नहीं होते लेकिन बहुत सारी में होते हैं तो ये जो वेंस हैं ये डिपेंड करता है कि उसमें वॉल्स किस किस वेंस में होंगे सो so, मैंने बता दिया जो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज होंगी जैसे कि हमारे लेग्स और आर्म्स इनमें सबसे ज़्यादा वॉल्स होंगे एंड नंबर ऑफ वॉल्स डिक्रीजेस प्रॉक्सिमली और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होंगे जो हार्ट के पास होंगे उसमें वॉल्वस कम होंगे जैसे कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेनाकेमा में वॉल्व नहीं है देन लार्ज वेरिकोज वेन्स कैन बी विजिबल बल्जिंग पल्पेबल अब जो लार्ज वेरिकोज वेन्स होती हैं जिनमें वेरिकोज ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा बल्जिंग हो जाती है तो वो विजिबल होती हैं दिखती हैं वो एंड बल्जिंग उनमें बल्जिंग भी ज़्यादा होती है एंड पल्पेबल पल्पेबल मीन्स हम अपने टच से जब हम उनको टच करेंगे तो वो हमें फ़ील होंगी कि वो वेरिकोज उसमें बल्जिंग हो गई है तो फील होगी दैट इज पालपेबल और ये ग्रेटर देन फोर मिलीमीटर इन डायमीटर होगी दैट इज ग्रेटर देन फोर मिलीमीटर तो जो वेरी वेन्स है वो ग्रेटर देन फोर मिलीमीटर होंगी इन डायमीटर नेक्स्ट आता है स्मॉल स्पाइडर वेन्स नाउ एक ओट हम आती है यहां पे स्पाइडर वेन्स स्पाइडर वेन्स क्या होते हैं कैन ऑल्सो अपीयर विच आर नॉट पाल्पेबल सो स्पाइडर वेन्स क्या होती है जो कि स्पाइडर का जो वेब है वो आपने देखा होगा उस तरह की दिखती हैं ये और ये पालपेबल नहीं होती इनको हम टच करके फील नहीं कर सकते कि ये आ, वेंस है, लेकिन स्पाइडर वेंस दिखती है सिर्फ ये होती है, जो वेंस है, आ, ये हैं लेकिन दिखती सिर्फ होती जो या फिर पर्पल ब्लू कलर की दिखती हैं वेयर एज स्पाइडर वेन्स हैं ये ब्लू या फिर रेड कलर में अपीयर होती हैं एंड कॉमन इन कहां पर कॉमन होती है, है थाइज में एंकल्स में फीट और इवन फेस पर भी अपीयर हो सकती हैं तो स्पाइडर वेन यूजअली कोई प्रॉब्लम कोज नहीं करती ये जस्ट कॉस्मेटिक रीजन के लिए मीन्स ब्यूटी को डिस्टर्ब करती है क्योंकि विजिबल होते हैं स्पाइडर लाइक दिखती हैं इसकी जो टर्म है वो क्या है टैलेंट Now नाउ नेक्स्ट इज of ऑफ वेरिकोज वेन्स veins वेन्स varicose veins के क्या क्या रिस्फेक्टर्स एंड क्या कोजेज या फिर रीजन्स हो सकते हैं सो इफ द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर लेस फ्लेक्सीबल और लेस इलास्टिक सो क्योंकि जो वॉल्व हैं वेन्स uh, के जो वॉल्स हैं वो भी इलास्टिक टिश्यू से बने हुए हैं सो so, अगर वेन्स के जो वॉल्स हैं वो लेस फ्लेक्सिबल उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे वो हार्ड हो जाए या फिर उनमें इलास्टिक टिश्यू कम हो जाए तो क्या होगा द वॉल्स मे गैट वीक तो वॉल्स क्या होगा या तो अच्छे से ओपन नहीं हो पाएंगे या फिर क्लोजली नहीं हो पाएंगे फुली क्लोज नहीं हो पाएंगे और या फिर वॉल्स क्या हो जाएंगे वीक हो जाएंगे सो so, वीक का मतलब है कि वो इनकम्पिटेंट हो जाएंगे ओपन नहीं हो पाएंगे एंड क्लोज नहीं हो पाएंगे अ वीकेंड वॉल्व कैन ऑल्सो ब्लड टू लीक बैकवर्ड ना जो वीक ब्लड वीक वॉल्व होंगे वीक वॉल्स का मतलब है कि सपोज अगर ये वॉल्व है तो यह कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाया तो ब्लड क्या होगा बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा और यहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा विच इज कंजे कंजेशन हो जाएगी यहाँ पर ब्लड की तो क्या होगा एंड एक्यूमुलेट इन देंस एन लार्ज एंड स्वॉलन सो जहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है तो वेन क्या हो जाएगी वहाँ पर एन लार्ज हो जाएगी और स्वॉलन हो जाएगी उसमें बल्जिंग हो जाएगी any condition that put pressure on legs and abdomen can cause varicose veins so coagbci condition Uh, हो सकती है जिससे वेरिकोज वेन्स हो सकता है जैसे कि एबडामन uh, एरिया पर या फिर लेग एरिया पर जिससे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कोई ऐसी कंडीशन है जो ज़्यादा प्रेशर डाल रही है एबडमन और लेग एरिया पर तो वेरिकोज वेन्स हो सकती है हम आगे डिस्कस करेंगे प्लस कोई इंजरी ब्लड क्लोट या फिर इंफ्लामेशन वेरिकोज वेन्स कोज कर सकती है तो so, फर्स्ट आता है जेंडर नाउ जेंडर में ये ज़्यादा कॉमन किस में होता है वुमेन में एज कम्पेयर टू मैन वाई बिकॉज वुमेन में हारमोनल लेवल्स की वजह से हार्मोन्स के काम या फिर ज़्यादा होने की वजह से वेरिकोज वेन्स ईजली हो सकती है ये हम पढ़ेंगे कैसे फीमेल हारमोन्स रिलैक्स वेंस सो so, जो फीमेल हार्मोन्स है जैसे कि स्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन अगर इनका लेवल ज़्यादा हाई होता है या फिर इन हार्मोन्स के लेवल में फ्लक्चुएशंस होती हैं सो तो ये क्या करती हैं वेंस को रिलैक्स करती हैं जिससे क्या होता है वॉल्स कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाते या फिर कंप्लीटली ओपन नहीं हो पाते जैसे कि जो ब्लड है वो वेंस में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है नाउ बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड हार्मोन थेरेपी नाउ बर्थ कंट्रोल पिल्स और हॉर्मोनल थेरेपी में भी प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का लेवल होता है जिससे कि वेन्स रिलैक्स होती हैं नेक्स्ट इज जेनेटिक्स नाउ जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली में वेरी वेन्स हैं तो वो जेनेटिकली uh, ट्रांसफर हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन में भी हो सकता है कि उनके डॉटर या फिर सन को एंड देन फर्दर जनरेशन को भी वेरिकोज वेन्स हो सकता है तो हमने ये भी देखा है कि एक पर्टिकुलर फैमिली में काफ़ी मेंबर्स को भी वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं सो so, ये ट्रांसफर होते हैं जेनेटिकली भी होता है ये देन आता है ओबेसिटी ओबेसिटी मीन्स वेट गेन तो अगर ज़्यादा वेट है किसी पर्सन का तो वो भी क्या करेगा एबडामन और लेग्स पर प्रेशर पुट करेगा जिससे क्या होगा वेरिकोज वेन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं देन आता है एज नाउ एज ओल्डर एज है अगर मोर देन फिफ्टी तो ज़्यादा चांसेज होते हैं वेरिकोज वेन के क्यों क्योंकि जो वॉल्स हैं वॉल्स हमारे विथ टाइम वीक हो जाते हैं उनमें वीयर एंड टीयर होता है उनकी इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो ब्लड को ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करा करवा पाए. नेग्स इज स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स अगर आपकी ऐसी जॉब है या फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए खड़े रहते हैं जैसे कि नर्सेज की जॉब भी यही है कि उनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टैंड रहना पड़ता है एयर होस्टेस एंड अदर जॉब्स जिसमें लॉन्ग टाइम के लिए आपको स्टैंड रहना पड़ता है स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड्स उसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो लेग्स की तरफ ग्रेविटी की तरफ नीचे आ, पूल होता रहता है सो so, इस केसेस में वेरिकोज uh, वेन्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि uh, ज़्यादा टाइम तक खड़े होने से क्या होता है कि ब्लड हमारा ग्रेविटी की वजह से लेग्स की तरफ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी नाउ प्रेगनेंसी में क्या होता है थ्री रीजन्स होते हैं एक तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है प्रेगनेंसी में वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि फीटस को भी सप्लाई करना है मदर को भी तो जो हमारी वॉल्स हैं वेन्स के उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ब्लड को अपवर्ड पुश करने के लिए फन वन रीज़न इज़ दिस नेक्स्ट इज इन हॉर्मोन्स नाउ हॉर्मोन्स भी चेंज होते हैं प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन हॉर्मोन सिक्रिएट होता है जो कि वेन्स को रिलैक्स करता है एस्ट्रोजन uh, प्रोजेस्ट्रोन का लेवल हाई हो जाता है जिसकी वजह से uh, जो वॉल्स हैं वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं देन प्रेशर बाय ग्रेविड्यूटर्स थर्ड इज जो ग्रेविड यूट्रस है जो वॉम है क्योंकि अब उसमें बेबी है सो तो वो प्रेशर पुट करेगा पैल्विस पर भी प्रेशर डाल रहा है प्लस लेग्स पर भी प्रेशर अब इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वेरिकोज वस हो सकता है नाउ प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है डिलीवरी के बाद तो वेरिकोज वस ठीक भी हो जाती है नेक्स्ट इज एनी ट्रामा अगर कोई इंजरी हो गई है सपोज़ लेग में इंजरी हुई है या फिर आर्म में हुई है तो वो वॉल्स को भी इंजर्ड कर सकती है जिसकी वजह से वॉल्स वीक हो सकते हैं नेक्स्ट इज़ अ सीडेंट्री लाइफ स्टाइल अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बैठे भी रहते हैं आपका सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो भी मेरीकोज वेंस हो सकती है क्योंकि जो मसल्स है, है, हैं वीक हो जाते हैं वॉल्व वीक हो जाते हैं नेक्स्ट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अगर कोई क्लोट बन गया है तो उसके कारण भी ब्लड जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है बल्जिंग हो जाती है वेन्स की तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर क्लोट भी एक रीज़न हो सकता है नेक्स्ट इज मेनोपोज मेनोपोज में भी हारमोनल लेवल के फ्लक्चुएशनस की वजह से चांसेज इंक्रीज हो जाते हैं नेक्स्ट इज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन भी अगर आपको काफ़ी टाइम से कॉन्स्टिपेशन है तो वो आपके अबडोमन पर प्रेशर पुट करती है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ वेन्स इवन कई वेन्स ऐसी होती हैं उनमें कॉन्जेनाइटल एबनॉमलिटीज़ मीन्स बाय बर्थ ही कोई डिफेक्ट है वॉल्स में कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से भी वेरिकोज वेन्स हो सकता है नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वेरीकोज सो पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट क्या होता है चेंजेस इन वेन वॉल सो बिकॉज ऑफ़ सम रीजन्स जो हमने पीछे कॉजिज पढ़े तो वेन की जो वॉल है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेन्स वेन्स में भी ओवर स्ट्रैच हो सकती हैं उनके इलास्टिक टिश्यूज ओवर स्ट्रेच हो सकते हैं देन वॉल्स इनकम्पिटेंट उससे क्या होता है वॉल्स में इनकम्पिटेंसी आ जाती है वॉल्स वीक हो जाती हैं या फिर वॉल्स क्या होते हैं क्लोज नहीं हो पाते प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं हो पाते जिससे क्या होता है बैक फ्लो और रिफ्लक्स ऑफ द ब्लड क्योंकि अगर वॉल्व प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे तो ब्लड जो अफर्ड जाना था वो अपवर्ड नहीं जाएगा और वेन्स में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा बैक फ्लो हो जाएगा और वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नेक्स्ट इज पूलिंग और स्टेसिस ऑफ ब्लड तो क्या होता है उस एरिया में सपोज यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुए या फिर फंक्शन नहीं कर पाए तो यहाँ पर ब्लड क्या हो जाएगा एक्यूमुलेट हो जाएगा और पूलिंग हो जाएगी वहाँ पर ब्लड की जैसे क्या होता है क्रॉनिंग एम्बुलेटरी वेनस प्रेशर तो यहाँ पर क्या होगा इस एरिया में जो ब्लड का प्रेशर है उसकी वजह से वेनस प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा और स्पेशली एम्बुलेटरी मीन्स जब हम वॉक करेंगे मूव करेंगे तो वेनस प्रेशर इंक्रीज़ होगा नेक्स्ट इज डिफेक्टिव माइक्रो सर्कुलेशन तो इससे क्या होगा कि जो हमारी वेन्स हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि वेन्स की बात हो रही है यहाँ पर तो वेन्स में जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो डिफेक्टिव हो जाएगा जिससे क्या होगा लाइसिस ऑफ आर्बिसिस तो यहाँ पर लोकली जहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है वेन्स में वहाँ के जो आर बी सीज हैं वो लाइसिस होना स्टार्ट हो जाएंगे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे जिससे लोकली पिगमेंटेशन होगी पिगमेंटेशन मीन्स वहाँ का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा एरिया का अ, कलर जो वेरिकोज वेंस है उसमें ब्लू ब्लूइश पर्पल या फिर ब्लैक कलर हो जाता है नेक्स्ट इज डर्मेटाइटिस वहाँ की जो स्किन है वो उसमें इंफ्लामेशन हो जाएगी जिससे क्या होगा सीवियर एनोक्सिया सो uh, डर्माटाइटिस so होने की वजह से एक तो वहाँ की जो स्किन है उसकी पिगमेंटेशन कलर चेंज हो जाएगा ब्लैकिश कलर हो जाएगा ब्लूइश पर्पल कलर हो जाएगा स्किन इची हो जाएगी uh, उसमें इचिंग होगी एंड सीवियर अनोक्सिया सीवियर अनोक्सिया मीन्स वहाँ का जो लोकल टिश्यू है वो हाइपॉक्सिक हो जाएगा उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो इससे क्या होता है वेरीकॉसिटी और डायलेटेड टोर्चियस वेन्स हो जाती हैं दैट इज वेरीकोसिटी मतलब डायलेट हो जाएंगी वीन्स वहाँ की टोर्चियस वेन्स हो जाएंगी ट्विस्टेड हो जाएंगी और सीवियर केसेस में वहां पर अल्सर्स भी हो जाते हैं सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ वेरीकोज वेन्स स्टे यून फॉर पार्ट टू ऑफ वेरी कोज वेन्स एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग